हेलो गाइस, मैं हूँ राजेश कुमार एंड आप देख रहे हैं यूनानी ऑफिशियल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम देखने जा रहे हैं एक ऐसा वीडियो जो कि एक आदमी उसमें कैसे उसका मन के साथ बात करता है और क्या क्या बातचीत करता है, इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। और ये एक सैड रोमांटिक सॉन्ग है, बढ़िया सैड रोमांटिक सॉन्ग है। और ये गाना पहले भी आ चुका है 9 साल पहले, जो कि बहुत अच्छा गाना है। पहले आया था लेकिन उसी टाइम पे ओनली स्टूडियो वर्जन आया था। और इस गाने ने 9 साल के अंदर 19 लाख व्यूज और 22,000 लाइक्स लेके आ चुका है इस गाने ने। और उसका जो वीडियो वर्जन है अभी 3 मंथ्स पहले आया था, और वो भी धुन म्यूजिकल चैनल पर आया था। और उस गाने ने भी 3 मंथ्स के अंदर अंदर 10 लाख व्यूज और 42,000 लाइक्स लेके आ चुका है। तो इस गाने को हम अभी रिएक्शन या रिव्यू करने जा रहे। तो इस गाने को गाया है मोहम्मद इरफान ने और लिरिक्स बाय डॉक्टर निर्मल नायक एंड म्यूजिक दिया है इसको अभिजीत मजुमदार ने, जो कि एक अच्छा म्यूजिक डायरेक्टर है। और इनका बहुत सारा बड़े बड़े हिट आ चुका है। और डॉक्टर निर्मल नायक पता ही होगा आपको, ये भी बहुत सारा अच्छा अच्छा गाना लिखा है, जो भी बहुत सारा ब्लॉकबस्टर हिट हुआ है हॉलीवुड इंडस्ट्री में। और इस गाने को डायरेक्टर किया है विश्वभूषण महापात्र और कोरियोग्राफर बाय सूर्या रथ एंड बैकग्राउंड म्यूजिक एंड ऐसे इफेक्ट्स बाय आसाद निजाम। आसाद निजाम भी एक म्यूजिक डायरेक्टर है और उनका भी बहुत सारा बढ़िया बढ़िया गाना है। और प्रोड्यूसर बाय KPEE और म्यूजिक लेवल धुन म्यूजिकल। तो चलिए इस गाने को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए इस गाने को देखते हैं। पहले मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। चलिए लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। वाह क्या सीन है, दोनों दोनों दो दो हेलीकॉप्टर, दोनों म्यूजिकल प्रेजेंस। आई थिंक ये हिमालय नहीं तो मनाली में शूटिंग हुआ है गाना। ऐसे फर्स्ट टाइम हॉलीवुड इंडस्ट्री में कुछ तो हुआ है चेंज, आगे देखते हैं क्या होता है। चलो पहला सीन में एकदम पूरा फाइट सीन है। आई थिंक ये पुलिस वाले, आई थिंक पुलिस वाले ही। ये एक्टर से जो कि बाबूशान के साथ एक पिक्चर किया था, वो कौन सा पिक्चर था, लव पाइन कुछ भी करेगा था उसमें ये एक्टर्स मूवी पिक्चरिंग किया था। और उसका ये पहला मूवी था और इस गाने ने किया है पिक्चरिंग किया है इस गाने में भी। इस वीडियो को देख के तो लगता है, ये सीन को देख के लगता है कि ये दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। और ऐसा भी हो सकता है ये दोनों प्यार करते हैं और घर वालों ने माना नहीं होगा तो ये लोग भाग के आ चुके हैं। भाग के आने के बाद ये पीछा करते करते ये पुलिस वाले ऐसा है पीछा करके इन दोनों को पकड़ के फायरिंग करता है इस बंदे को। इस बंदे को फायरिंग करते वक्त लड़की ने उसको धक्का देके उसकी जगह पे ये आ जाता है, तो गोली इस लड़की को लग जाता है। बाद में क्या होता है रेमन लिखा है, चलो देखते हैं। ओ डायरेक्ट हॉस्पिटल उस लड़की को लेकर आया होगा। फील द म्यूजिक, म्यूजिक बहुत अच्छा है, सुनिए। ये गाना पहले भी आ चुका था।
पाखरे थिले से सब भल लागे दूरे थिले काई खोजुचु। एक आदमी उसका मन को बोलता है ये सब। जेबे तोते छुई जाए ताको था तू काही भाबुचु। अगर वो पास में होता है तो तेरे को सब कुछ अच्छा लगता है, और वो जब दूर चले जाते हैं तो उसको क्यों इतना ढूंढता है। शायद तू उसको प्यार करता है। हाँ भालो पाउचु रेमोना, तू भालो पाउचु, हाँ भालो पाउचु, जीती बाकु चाही ताकु निजा पाखे हारुचु रेमोना। उसको जीतने के लिए जाके तू हार जाता है उसके पास में। उसका रीजन है शूटिंग प्लेस तो बहुत अच्छा। वाह, बाद में वांटेड का पोस्टर मनाली रचंती मते भाई रूक एंड क्रूक ए पुओ मोइबा दरकार आ ए छियो जेमे देले पहुंचीबा दरकार। ओके, ओ तो ये मिनिस्टर का लड़की है, मिनिस्टर का बेटी है। पुलिस वाले ने इसको बोलता है कि ये लड़की हमको जिंदा चाहिए और इस लड़के को पूरा खत्म कर दो, लेकिन लड़की जिंदा चाहिए बोला। हेलो हेलो छाड़ बे बाहर को ऐसी सरेंडर कर। पुलिस तमो दुई जन को चारी पटु घेरी रही छी और खसी बार बाटो ना है। यदि तू बाहर को न आछो ताले मु भीतर को जीवा पई बाध्य होबो। ये लोग होटल के अंदर होते हैं और पुलिस वालों ने इस होटल के चारों तरफ पूरा घेर लिया है इन दोनों को, और फोन करके इसको बोलता है अननोन नंबर से कि तू बाहर आ जाओ, तुम दोनों आ जाओ बाहर और तू सरेंडर कर ले। लड़के को बोलता है अगर तू सरेंडर नहीं करेगा तो हम लोग अंदर आ जाएंगे और तू यहाँ से जिंदा नहीं जा पाएगा। भांगी जाए तो नहीं दो फर्स्ट टाइम ही, और एकदम इंटरनेशनल की तरह लग रहा है। फाइट सीन प्लेस सभी हॉलीवुड इंडस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा है। सैल्यूट हॉलीवुड इंडस्ट्री में, ऐसा पहली बार, क्योंकि आज तक मैं ऐसा नहीं देखा कभी। भांगी जाए तो नहीं दो एका चली ले का गोली बाटे कहीं जाए तो बदो इस दोनों ने यहाँ से भाग जाते ही बोलते बोलते ही। आरे निजो छाई देखी कहीं तू चमकी चाहूचु आऊ का मुहारे ताना सुनी कहीं कि तू एते डरुचु। चांद की रोशनी में तू तेरा परछाई देखे क्यों डर जाता है, और इस लड़के का नाम दूसरों के मुंह से सुनते हुए तू क्यों डर जाता है। उसको बोलता है, उसका मन को बोलता है, एक आदमी उसके मन को बोलता है, क्योंकि उसका एक ही रीजन प्यार करता है। तू भला पाउचु। होटल से निकलने के बाद ये लोग जब बाहर जाते हैं, मतलब बाहर चले जाते हैं, तो रास्ते पे ये लोगों को फिर से घेर लेते हैं पुलिस वालों ने। अभी तो इधर कुछ दामा गाँव होने वाला है। वाह, फायर फायर, डोंट शूट डोंट शूट, फायर मत कीजिए। प्रेम धुनी घर जानी, पुलिस वाले पूरा पीछे पड़ गए। भरोसा तू करुचु रे मना, तू भलो भलो पाउचु, भल पाउचु रे मना, तू भल पाउचु, हाँ भल पाउचु,
शूटिंग प्लेस बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी। शुरू से चल रहा है स्लो मोशन है और ये सैड रोमांटिक वीडियो सॉन्ग है, और गाना गाना एकदम शुरू से चल रहा है, लेकिन वीडियो के पीछे जो आ रहा है सब सीन स्क्रीन वो बहुत बढ़िया है। वाह, फुल फाइट सीन, ऐसा मूवी होना चाहिए ऑडियो। और इस लड़की को ये बीच में से लेके चला गया, फिर बाद में ये लड़का आया उसको लेने के लिए आ रहा है अभी, और इधर पूरा शूट हो रहा है फाइट। भाई का फेस में देखिए कितना, आखिरकार पहुंच ही गया हॉस्पिटल में उसको लेने के लिए, मिलने के लिए। हिमाचल हॉस्पिटल, शायद हिमाचल में शूटिंग हुआ है ये गाना, या तो वीपीएक्स यूज किया, नहीं वीपीएक्स तो यूज नहीं किया, हिमाचल में शूटिंग किया होगा शायद। आई अप्रिशिएट क्योंकि फर्स्ट टाइम हॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसा देखने को मिलता है, वो भी ध्यून म्यूजिकल चैनल पर। सैल्यूट भाई धूम म्यूजिकल चैनल को, टू बी कंटिन्यू, बाद में कुछ आ सकता है शायद, टू बी कंटिन्यू लिखा है। ओके, तो इस गाने का, गाने में आपने तो देखा गाना भी बहुत अच्छा था, उसका जो प्लेस है जिधर शूटिंग हुआ था वो भी बहुत अच्छा है, हिमालय में शूटिंग हुआ है शायद, और इसका स्क्रिप्ट तो बहुत अच्छा था, और अभिजीत दा ने तो बहुत अच्छा किया है म्यूजिक में, और लिरिक्स भी अच्छा था, बहुत अच्छा था, और इसका जो वॉइस है वो काफ़ी अच्छे है, बहुत ही अच्छे है, और संभव भाई और सुप्रिया नायक ने फुल एक्टिंग किया है, बहुत एक्टिंग किया, और उसका टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। तो इस गाने में पूरा स्टोरी ऐसा था कि ये मिनिस्टर का बेटी है और इसको शायद भगा के लेके जाता है ये लड़का, और पुलिस वाले इसको बोलते हैं कि ये लड़की हमको जिंदा चाहिए, और ये लड़के को उधर ही मार दो, फिर ये दोनों को ढूंढते ढूंढते ये लोग पहुंच जाते हैं, फिर बाद में इस लड़के को फायर करता है पुलिस वाला ने, बट ये लड़की उसको धक्का दे के उसकी जगह पे ये आ जाते हैं, और इसको गोली लग जाती है इधर, फिर बाद में इसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं पुलिस वालों ने, और ये लड़का उधर से अलग हो जाता है,
फिर ये दोनों उधर कैसे मिल जाते हैं, होटल में आते हैं, फिर पुलिस वाला ने उसको कॉल करके बोलता है कि हम लोग तुमको घेर ले आए, तो इस लड़के को बोलता है तू बाहर आ जा, बाहर आके हम उन लोगों से सरेंडर कर ले, नहीं तो यहाँ से तू जिंदा नहीं जा पाएगा जा पाएगा। लेकिन फिर भी उधर से ये लोग बाहर चले जाते हैं। फिर बाद में जब रास्ते में आता है, रास्ते में इन दोनों को घेर लेते हैं पुलिस वालों ने, फिर उधर से फाइटिंग शुरू, मतलब पूरा शूटिंग शुरू हो जाता है, गन से शूट शुरू शुरू हो जाता है। फिर ये उधर होते ऐसा होते 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 ये उधर से भी अलग हो जाते हैं, इस लड़के को लेके चले जाते हैं। बाद में ये लड़का फिर से आता है एकदम फुल जोश के साथ और फाइटिंग करके इसको, ये लड़के फिर से इसको हॉस्पिटल से लेके चले जाता है, बाहर लेके चले जाता है। तो यही स्टार स्टोरी, मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा क्योंकि ये पहले भी बहुत बड़ा हिट हो चुका है ये गाना। आई होप कि आप लोगों को ये गाना बहुत अच्छा लगा होगा, तो आप धुन म्यूजिकल चैनल को जाइए, ये गाने को बहुत सारा प्यार दे और धुन म्यूजिकल चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे चैनल को भी लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो यार, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।